चमत्कार को नमस्कार। और मेरा आखिरी पड़ा और परीलोक को बर्बादी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी, इससे पहले कि परियों को पता चले कि उन्होंने जिसे पकड़ा है वो मैं नहीं, मेरा प्रतिबिंब है, मुझे वो अंगूठी चुरानी होगी और उसे जोड़कर परी तारा की सुरक्षा घेरे की चाबी बनानी होगी। उसके बाद मेरी परेशानी खत्म और परियों की शुरू। तो चले मेरे करामती कौन, एक और करामत करने। चमत्कार को नमस्कार। तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे रुकने को कह रहा है, मुझे। अरे मैं भी ना, ये मुझे कैसे रोक सकता है जब ये मुझे देख ही नहीं सकता। दो लाल कोट वाले, आपको सुनाई नहीं दिया उसने क्या कहा? देख सकते हैं पर कैसे? आपको दिखाई नहीं देता? जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है पर तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो? आँखों से, और कैसे? सच सच बताओ, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? क्यों नहीं देख सकते? तू क्या कोई मिस्टर इंडिया है जो लोगों को दिखाई नहीं देता? चलो चलो जाओ, चलो अब निकलो भी यहाँ से। देख पा रहे मुझे पर कैसे? शायद मैंने अपने गायब होने की बात ठीक से नहीं लिखी होगी। कोई बात नहीं, मैं वापस लिखता हूं। जाओ जाकर लिखो कि मैं किसी को भी दिखाई ना दूं।
मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। हाँ अभी तो दिख रहे हो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके यहाँ से खुद गायब हो जाओ, वरना पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तो दोबारा यहाँ कभी दिखाई नहीं दोगे। मेरे करामाती कोर्ट का जादू काम क्यों नहीं कर रहा? यहाँ से जा रहे हो कि नहीं? पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। बालवीर तुम यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। या नहीं यही देखने के लिए आया। कोई लाल कोट पहने हुआ आदमी यहाँ आया था? हाँ और वो अभी यहीं पर था, यहाँ आकर जादू दिखा रहा था, पर मैंने उसे भगा दिया। को यहाँ आया और उसने अंगूठी चोरी नहीं की? क्या नया खेल खेलने वाला है? और जो भी, मुझे उसके हर चाल के लिए तैयार नहीं हो। अब आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप सबको लगे कि यहाँ कोई भी खतरा है तो आप सब मुझे बुला लीजिए। ठीक है बाबी। बॉस आज आपकी वजह से हमारे क्या दिन आ गए हैं। अच्छे दिन आए ना? अरे बॉस अच्छे नहीं बुरे दिन आए, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से हमें टिड्डियों से भागना पड़ रहा है। अरे केवल हम भाग क्यों रहे? हमारे पास तो मैजिकल कोट है ना। तो क्या बॉस अब ये चाहते हो कि हम ना भागे और हमारी जगह आपका ये कोट भागे? भूल गए, ये जादू कोट है, इस कोट की जादू से मानव को मजा से कर सकते हैं। एक काम करो तुम पेन और पेपर लाओ। अरे बॉस अभी आपको होमवर्क करने बैठना है। अरे बेवकूफ हम लिख के मानव मेरे को मजा चकाएंगे। और बॉस यहाँ पेन और पेपर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। बॉस आपकी गाड़ी कहाँ है? अरे बेवकूफ मालूम है रहेंगे, तुम्हें देख लिया तो। सिंह वाले जाओ, उस सिंह वाले के पास जाओ। वाह बॉस वाह इतने दयालु हो, ऐसी सिचुएशन में भी हमारे खाने की सोच रहे हो। जाओ बॉस पैसे दो। अगर तुम कुछ उसके पास से पेपर लेकर आओ। अरे बॉस पेपर आप रख लेना, सिंह हम खा लेंगे। तो जल्दी अंदर रखो। बुक कर कहीं गए पिता? बस जल्दी करो जल्दी करो। क्यों रे? क्योंकि बस वो मानव मेरे मुझे देख लिया। अच्छा क्या तेरी तो जल्दी 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 करो। मानव मैं मेंढक के जैसे कूदने लगे। वो मानव मैं उछल नहीं रहे। ए घटे की तरह भागेंगे, लेकिन बस पहले आपको इस चिट्ठी को अपने मैजिकल कोट के पॉकेट के अंदर डालना तो पड़ेगा ना। हाँ। अरे ये क्या हो रहा है? बॉस ये मेंढक की तरह उछलते रहे लेकिन हमारे पास ही आ रहे, अब क्या करें? अभी बताता हूँ, पेपर दे। जल्दी। मानव महर पहले जैसे तेजी से धोने लगे और अचानक उनके सामने बड़ी सी दीवार आ जाए। आए चल। मानव महल चिड़िया जैसे उड़ने लगे।
दो स्टूपिड। ऐसा सोच रहे होंगे मानो मैं आपके बारे में, ये कह रहे थे हम। वो दोनों वो जादुई कोट लेकर गए ना, जाने दो। मेरा नाम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी है, मैं उसे बदला लेकर आऊंगा। दो बार मैंने अपने करामाती कोट में लिख के डाला कि मैं किसी को दिखाई नहीं दूं। दोनों बार मेरे करामाती कोट के जादू ने कोई असर नहीं किया। क्यों क्यों रहा ऐसा? एक बार फिर कोशिश करता हूं। कोट का जादू का कोई असर नहीं है। कहीं मेरा करामाती कोट किसी से बदल तो नहीं गया, लेकिन कैसे और किससे? मानो मोंटू की बेवकूफी की वजह से ये कोट फिर से हमारे हाथ में आ गया। थैंक गॉड। अब चल। हाँ चल तो रही हूँ ना। ये मगन कब फोन करेगा? बज भाई बज। ये मगन का ही फोन होगा। हेलो मगन, पैसे मिले? हेलो मगन, हेलो हेलो हेलो, केम छो, क्यों छो? मजा मा छू, फोन मा छू, तमे कौन छो, क्या छो? आपके रिवाइंड से। रिवाइंड जरूर, ये कस्तूरी है। अरे कस्तूरी, तू फोन में क्या कर रही है और कहाँ है तू? आपके रिवाइंड। कस्तूरी रिवाइंड नहीं, बिहाइंड। और तुम भी क्या बच्चों की तरह मजाक कर रही हो? और आप भी क्या मुटों की तरह पेंशन ले रहे हो? पेंशन नहीं, टेंशन। और टेंशन तो होगा ना, अभी तक वो मगन का फोन आया नहीं है कि भाई पैसे मिले कि नहीं, और बहू का भी कुछ पता नहीं, कहीं कोई ऊंच नीच न हो जाए। ऊंच नहीं होगा, आ जाएगा मगन भाई का फोन, आप जाइए। कहाँ? मगन काका के पास? अरे नहीं, नाना नानी पर। आपका इवनिंग का टॉक करने का टाइम हो गया है। अरे मैं अभी ऑलरेडी तुम्हारे साथ टॉक कर रहा हूँ। टॉक नहीं, वॉक। इवनिंग वॉक के लिए जाना है मुझे। हाँ भाई, सेम टू सेम। हाँ जाता हूँ इवनिंग वॉक के लिए। लेकिन हाँ कस्तूरी, वो मगन का फोन आया ना तो जरा ध्यान देना प्लीज। जब तक ये मगन भाई का फोन नहीं आएगा ना, ये चैन से बैठेंगे नहीं और हमें बैठने देंगे नहीं। अरे बहू, तूने जरा सी देर लगा दी। अभी अगर ये महेश के बापूजी तुम्हें देख लेते तो उन्हें तसल्ली हो जाती कि चलो मगन भाई का लिफाफा उसे मिल गया। बहू क्या हुआ? माँ वो बापूजी ने दिया था वो लिफाफा कहीं गिर गया। नहीं मेरा मतलब सिर्फ लिफाफा ही तो खोया है। उस लिफाफे में पैसे भी थे। तू रो मत, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ और रो मत। अच्छा है कि तुम्हारे बापूजी नहीं है। पैसे नहीं संभाल सकते? बच्चे हो क्या? इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो गई तुम? मैंने हर जगह ढूंढा, पर भी अच्छे से चेक किया लेकिन कहीं नहीं मिले। भाभी भाभी भाभी, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? ये आप बाबूजी को बताइए ना, क्योंकि ऐसा तो बाबूजी पूछेंगे। बस देखो तुम रो मत, यही कहीं घर में ही पड़ा होगा। घर में? चलो हम मॉल में ढूंढते हैं। पर माँ मैं तो मॉल गई नहीं। भाभी भाभी, माँ का मतलब है हॉल में, हॉल में ढूंढते। हाँ। देखा अभी कहेंगे सेम टू सेम। चलो चलो ढूंढते। नहीं, ये मेरा करामाती कोट नहीं है। लेकिन अगर ये मेरा करामाती कोट नहीं है तो मेरे
के साथ टकराते वक्त मेरा करामाती कोट उनकी मामूली कोट के साथ बदल गया। चमत्कार, नमस्कार। लेकिन अब क्या करूं? कैसे ढूंढूं बच्चों को? माना, इससे पहले कि ये मैजिकल कोट किसी बुरे हाथों में चले जाए, हम इसे पापा को वापस कर देते। लेकिन मैं ये हुई ना बात, ऐसा कह रहा था मैं, तू भी ना पता नहीं क्या क्या समझ लेती है। सॉरी अंकल। ठीक है ठीक है। ओए देख क्या रहा है, चल ना। सॉरी अंकल। इस बच्चे को तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। ये क्या? तुम्हारा और अंकल का दोनों का कोट तो सेम है और रेड कलर में। ये तो वही बच्चा है जो सुबह उस बच्चे के साथ था जिसके हाथ में टकराया था। सॉरी अंकल। जरूर ये मेरा करामाती कोट था। इससे पहले कि मेरा करामाती कोट लेकर ये बच्चा मुझे दूर चले जाए, मुझे इसे पकड़ना होगा और अपना करामाती कोट वापस लेना होगा। चमत्कार को नमस्कार। जबरदस्ती काम करवाते और मारते भी है। जबरदस्ती क्या, पैसे दिए ना, और पैसे दिए तो काम करना ही पड़ेगा। बालवीर, इसकी माँ खुद इसे छोड़ के गई थी और पैसे लेके गई है कि इससे काम कराओ। बच्चों से काम करवाना गलत ही नहीं बल्कि कानूनन जुर्म भी, और तुम बच्चों से काम करवाकर उनका बचपना ही नहीं बल्कि हमारे देश के उज्जवल भविष्य को छीन रहे। और हमें जरूरतमंद बच्चों की मदद करनी चाहिए, उससे काम नहीं करवाना चाहिए। मुझे माफ कर दो बालवीर, आज के बाद मैं किसी बच्चे से काम नहीं करवाऊंगा। बहुत अच्छा, अब कल से तुम पाठशाला में पढ़ने जाओ। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। कहाँ गया वो बच्चा? उस बालवीर की वजह से वो बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। अब कैसे ढूंढूंगा मैं उस बच्चे को?